हम लोकतंत्र की बात करते हैं लेकिन गैर लोकतांत्रिक तरीकों से अपने हकों को हासिल करना चाहते हैं। तुम सब एक सेकंड बस मेरी बात सुन लो। अमेरिका नाम के देश का नाम सुना है? अमेरिका का, ठीक है, अमेरिका का 45वां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कितना कमीना व्यक्ति था। अमेरिका की इज्जत, अमेरिका के एकदम सब कुछ धूल में मिटा दिया। अमेरिका के लोगों में इतनी डिमोटिवेशन आ गया, आपस में लड़ने लगे, काले गोरों से लड़ने लगे, गोरे कालों से लड़ने लगे, आपस में एकदम बिल्कुल इतना बुरा माहौल हो गया, हर जगह थू थू हुई नहीं हुई। लेकिन अमेरिका में एक विरोधी पार्टी थी, डेमोक्रेटिक पार्टी, उसको उसके राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ रहा था जो बिडेन। उसको पता था कि ये व्यक्ति कमीना है, उसकी विरोधी पार्टी को पता था व्यक्ति कमीना है, लेकिन उन्हें अपने देश से इतना प्रेम था, इतना प्रेम था। तुम में से एक कोई व्यक्ति बता दो कि अमेरिका में एक भी सरकार विरोधी रैली हुई हो, अमेरिका में किसी देश की बॉर्डर्स को सील किया गया हो, अमेरिका में कहीं भी कोई व्यक्ति हुआ जब अमेरिका का वही राष्ट्रपति कमीना निकला और बाद में उसी ने जाकर अमेरिका की संसद पर हमला करवा दिया, खुद राष्ट्रपति ने अपनी संसद पर। यह होता है लोकतंत्र के प्रति विश्वास, यह होता है अपने देश के प्रति कि मैं विरोधी हूं लेकिन लोकतंत्र तरीके से विरोध करूंगा चुनावों में। लोकतंत्र का अर्थ होता है हमें अपनी सरकार चुनने का हक, न कि हमें जबरदस्ती अपनी मांगे मनवाने का हक। मांग रखिए, पूरे जोर शोर तरीके से रखिए, लेकिन लोकतांत्रिक तरीकों से, लोकतांत्रिक तरीकों से। तुम्हारा कोई भी कार्य कभी ना तुम्हारे को शर्मिंदा करे, ना तुम्हारे देश को शर्मिंदा करे। मुझसे, तुमसे, किसानों से, सरकार से, हम सबसे बड़ा है हमारा देश। और जिसकी आज इतनी बेकिदरी हो रही है कि मतलब हम तुम सबकी आत्मा भी रोती होगी। तुम किसान आंदोलन को सपोर्ट करो या मोदी को सपोर्ट करो, तुम दोनों की आत्मा रोती होगी। क्यों रोती है वो? क्योंकि हम सबसे बड़ा है हमारा देश, जिसकी आजादी के लिए हमने कुछ नहीं किया, हमारे पुरखों ने किया। हमने उसकी आजादी के लिए कुछ नहीं किया, उसकी आजादी उसके गणतंत्र पर हमारा हक नहीं है, हमें वो विरासत में मिला। और किसी ने सही कहा था कि जिसका पूत कपूत होता है ना, उसको विरासत में लाख धन या लाख इज्जत दे दो, उसे मिट्टी में मिला देता है। तो हम भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। आज ग्रीटा थुनबर्ग हमारे यहाँ के बारे में कमेंट कर रही है, ट्वीट कर रही है। आज रिहाना करके एक पॉप गायिका, वो हमारे बारे में बात कर रही है। पाकिस्तान के टीवी चैनलों पर दुनिया में हम लोग रहते हैं कि हमारे साथ ऐसा, और हम लोगों को शर्म नाम की चीज नहीं है, क्योंकि हमने शर्म बेच खाई। हम पार्टीबाजी हो गए, हम लोग वाले हो गए, हमने सबने अपने अपने एजेंडा बना दिए, लेकिन हम सब के अंदर कौन छिप गया? हमारा देश छिप गया। और ये पतन की तरफ है हम। किसी भी देश का नाश हो जाता है जिस देश के नागरिक और जनता हम जैसे हो जाते हैं। मुझसे बहुत सारे डिसलाइक करोगे, कहोगे कोई किसान विरोधी है, कोई कहेगा मोदी विरोधी है, जहेंस की पूछ है, लेकिन तुम कभी भी, लेकिन तुम्हारी आत्मा भी रोती होगी, लेकिन तुम इतने ज्यादा खच्चड़ हो अपनी आत्मा की आवाज भी नहीं सुनते। तुम्हारी आत्मा देश के लिए रोती है और देश से बढ़कर कुछ नहीं, कुछ भी। चलिए, तुम्हारा समय खराब किया, सॉरी।